सिंगरौली के एनटीपीसी पावर प्लांट के राखड़ डैम की दीवारें टूटने से हड़कंप मच गया है। डैम की दीवार टूटने की वजह से प्लांट की राख का मलबा दूर दूर तक फैल गया। इसकी चपेट में 5 गांव आ गए। मलबे में कई गाड़ियां और ट्रैक्टर फंस गए। वहीं कई मवेशियों के भी मलबे में दबे होने की आशंका है। मैं इनके पास कई बार लिखित और मौखिक रूप से शिकायत कर चुका हूं। इसके पहले भी तिवारी साहब बीडी थे, उनके पास हमने लेटर दिया था। चुप रहा यार। जस्ट यही जो पानी भर रहा था और राख उड़ रही थी, हम लोग के घर में 4-4 इंची राख पड़ा हुआ है और हम लोग के नल और कुआं में उनके पानी राख का पानी जो रिसाव करके आ रहा है इसके बारे में हमने इनको कई बार सूचित किया। ये बोले कि कार्रवाई करेंगे। हम बोले साहब श्रीमान जी, हम लोग टोटल आदमी एक बार नहीं 3-3 बार NTPC से विस्थापित हुए हैं। 3-3 बार NTPC से विस्थापित होकर इसी गांव में रहता हूं और इनके आला अधिकारियों से जाता हूं कि साहब जो भी विस्थापन सुविधा हो मुहैया कराएगा गांव में। नहीं दिया हमारे बताने के बाद में लिखित तौर पर इन्होंने बोला कि आश्वासन दिया और मौखिक रूप से हमने बताया, लेकिन अभी तक ऐसा कोई संतोषजनक अधिकारी इनका बात करने को और न काम करने को तैयार। इस राख से लगभग इस गांव में कम से कम 200-250 गांव घर हैं। गांव करीब 5-7 गांव हैं, सब लोग प्रभावित हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पूरे इलाके को खाली कराया गया है। हालांकि NTPC और प्रशासनिक अधिकारी किसी के हताहत होने की खबर से इनकार कर रहे हैं। यहाँ आने पे हमको ये पता चला है कि इसका जो NTPC का V1 डैम है, आज करीबन 4:30 के बाद में उसमें वो ब्रेक हुआ है, तो वहाँ का एस और पानी बह गया है और किसी प्रकार का अभी जान माल का नुकसान नहीं बताया गया है। जो पानी था उतर करके आगे बह गया है और 4 आदमी का बीच में जो वर्कर थे आके उनका फंसने का सूचना मिला था, तो हमारी टीम गई हुई है और उनको सुरक्षित बाहर ले आ रही है। अभी तक ये जो जानकारी है उसके अनुसार किसी भी प्रकार का जानवर का नुकसान नहीं हुआ है। कुछ जानवरों की बात आ रही है तो कल निरीक्षण के बाद में बताया जा सकता है। भैया एक सेकंड चुप, ये कितने जानवर उसमें फंसे हैं? देखिए ऐसा है ना, ये एक अनफॉर्चुनेट घटना है और हम लोग जो है इस पर तत्परता से अपना कार्य शुरू कर दिए हैं और जहाँ तक इसमें जो जान माल की बात है इसमें किसी तरह की कोई नुकसान इस तरह का नहीं हुआ जान माल का। बट हम लोग कल इसमें अभी फिर से जो यदि विजिबिलिटी थोड़ी होगी तो इसमें हम फिर असेस करेंगे कि क्या कुछ जिस तरह की है और इसमें और सब जो है अभी हमारी जो टीम है पूरी तत्परता से लगी है और इस काम को हम लोग जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक आई इस आपदा की वजह से जयनगर, जावरी और अमहा टोला सहित आधा दर्जन गाँव की फसलें बर्बाद हो गई है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। सिंगरौली से हरिओम सिंह की रिपोर्ट।